स्वागत और धन्यवाद। यहाँ आप जो विराजमान हैं, ब्रजवासी विराजमान हैं, जगह जगह से आए भक्त लोग, देश विदेश से माताएं, बच्चे, सबका स्वागत। कल मोहिनी एकादशी है, आपने ध्यान रखना है। एकादशी का व्रत परमावश्यक है, गुरुदेव ने, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है। तो कल मोहिनी एकादशी है और उसका व्रत सभी ने रखना है। कुंती माता है यहाँ पर? नहीं, हरि बोल माता को ये रहा, बोलो है नीचे है? एक मिनट बुलाओ, किसी को भेजो बच्चे को। तो व्रत जरूर रखिए, यहाँ के आके भी रखिए और घरों में भी रखिए, जहाँ जहाँ से आप आए हैं। एकादशी के दिन अन्न खाना जो है ना, पाप खाना है, ऐसा शास्त्र में कहा है। और भगवान विष्णु की कृपा से एकादशी माता हम कलियुग के जीवों के उद्धार के लिए प्रकट हुई हैं, इसकी सब इनकी वंदना करो और इनकी कृपा की याचना करो। तो आज 11 तारीख सर्वप्रथम गुरु महाराज का शिक्षा अमृत। आज के दिन ये शब्द गुरु महाराज ने लॉस एंजलिस में 1973 में कहे थे, 11 तारीख को। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कृपया ध्यान से सुनिए। भगवत गीता के अनुसार आप जिस भी योनि में चाहे जन्म ले सकते हैं। कई बार मैं अमेरिका जाता हूँ, कई बार ऑस्ट्रेलिया और कई बार अफ्रीका, ये देश पहले से ही हैं। गुरुदेव समझा रहे हैं योनियों के बारे में, मैं केवल वहाँ की यात्रा करता हूँ, ऐसा नहीं कि अमेरिका में आकर मैंने अमेरिका का निर्माण किया है अथवा अमेरिका बन गया है, नहीं। और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा, क्या इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है? डार्विन को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक मूर्ख हैं। भगवद गीता स्पष्ट कहती है कि सभी योनियां पहले से ही हैं और आप जिस किसी में भी चाहें उसमें जा सकते हैं। यहां तक कि आप भगवान के धाम में भी जा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये सब बातें बताई हैं। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। संत इतनी दूर की बातें कैसे करते हैं, जैसे उन्होंने आज के इन शब्द में, क्योंकि वो सदा भगवान के साथ हैं। और ये संतों की बात को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें भी भक्ति पथ को अंगीकार करना है, हमें भी भक्त बनना है। भक्ति पथ में नौटंकी नहीं चलती। नौटंकी सब समझते हैं, नाटक में मैं नाटक में राजा बन गया, मैं राजा की तरह बातें कर रहा हूँ, पर मैं राजा थोड़ा हूँ, वो नाटक है। भक्ति पथ में बड़ा सरल भाव हमको चाहिए, सरलता चाहिए। भगवान क्या कहते हैं रामायण में कहा है तुलसीदास जी ने कि जिसके मन में
शल कपट नहीं है। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, रामकृष्ण एक ही हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी बड़े अच्छे ढंग से भगवान कहते हैं मुझे वही पा सकता है जिसका मन निर्मल है। तो ऐसे महापुरुषों की वाणी को समझने के लिए हमें भी अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। और मन की मलिनता क्या है? मन की मलिनता है भोग विलास की ओर आकर्षित, भोगों की ओर आकर्षण, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, सारे रोग यहीं से शुरू होते हैं। देखो हम पतन किस किस योनि में गए, कई योनियां, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, तो वहां भोग विलास में रहे हम बिना भेदभाव के। पर कृष्ण ने बड़ी कृपा करके हमें ये जो शरीर दिया, हमारी प्रवृत्ति तो बनी हुई है पूर्व जन्मों से भोग विलास की, लेकिन भगवान ये समझा रहे हैं इस योनि में तुम मेरी शरण में आ जा, बस बाकी योनियों में नहीं आ सकता। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। बाकी अभी देखो आप सब मनुष्य बैठे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम यहाँ कुछ गाय बैलों को बुलाएं, आप बैठो भाई सत्संग बैठ सकते हैं नहीं। गाय बैल उच्च योनी है, इनके बाद मनुष्य शरीर मिलता है, पशु पक्षियों को बुलाओ नहीं कर, उनमें बाकी खाने की सोने की इंद्रियों के तर्पण करने की अपनी रक्षा की, एक छोटी सी चींटी है ना उसको पकड़ने को उसको भागी मुझे कोई पकड़ रहा है। आहार निद्रा भय मैथुन इस सभी में एक समान है। तो मनुष्य शरीर में विशेषता क्या है? मनुष्य शरीर में हम जो भगवान की वाणी भगवत गीता है उसके अनुसार चल करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, कोई पशु पक्षी नहीं बना सकता। बाकी चार काम खाने का सोने का इंद्रियों के तर्पण का और रक्षा का सब करेंगे। तो यही गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि भगवत गीता के अनुसार आप जिस भी योनि में चाहे जन्म ले सकते हैं, किसी भी योनि में हम जा सकते हैं। कई बार मैं अमेरिका जाता हूँ, कई बार ऑस्ट्रेलिया, अपना उदाहरण दे रहे हैं प्रचार के लिए जाते हैं गुरु महाराज, और कई बार अफ्रीका, ये देश पहले से ही है, कोई बनाए थोड़े। मैं केवल वहाँ की यात्रा करता हूँ, गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने नहीं बनाए देश, पहले से ही है, यात्रा करता हूँ। ऐसा नहीं कि अमेरिका में आकर मैंने अमेरिका का निर्माण किया, नहीं, पहले से ही था। अथवा अमेरिका बन गया और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। क्या इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व नहीं ही नहीं है? हमने आध्यात्मिक जगत को नहीं देखा ना, इसका मतलब आध्यात्मिक जगत नहीं है? नहीं है, है, हमने देखा नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं, नहीं वो भी है। डार्विन को स्वीकार करने वाले, डार्विन जो था साइंटिस्ट था अमेरिका का, वैज्ञानिक मूर्ख हैं, गुरु महाराज ने कहे मूर्ख वैज्ञानिक हैं, कहते जिसको हम देख नहीं सके। अरे तू तो भगवान का जो दिव्य लोक है, वैकुंठ लोक है, गौ लोक है, तू देखने के लायक ही नहीं है उसको। कहते जो हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो ही हम स्वीकार करते हैं। तुम क्या देख सकते, तुम मूर्ख। जैसे मैंने एक बालकों का उदाहरण दिया था, उदाहरण मधुप्रिया, उदाहरण जो था वो तेरे को बोला था निकालने के लिए मैंने, वो बच्चों का, वो
ये बात कहीं विदेश में हो रही है, बात चलती है, क्या बात चलती है कि बच्चे जो हैं वो भगवान का नाम लेते हैं गॉड। वो प्रोफेसर था जिससे बात हो रही है, वो प्रोफेसर कहते कहाँ है गॉड, वेयर इज गॉड, तुमने देखा गॉड? बच्चे कहते हैं नहीं। तो कोई गॉड नहीं है, वो पढ़ा लिखा प्रोफेसर था, अब पहले अनपढ़ मूर्ख होते थे, आजकल पढ़े लिखे मूर्ख हैं, तो कोई भगवान है ही नहीं। तो उस बालिका ने पूछा कि तुम ये बताओ, तुम ये कैसे कहते हो कि भगवान नहीं है, गॉड नहीं है? कहते मेरे पास दिमाग है। तो कैसे बच्चे, मेरे पास दिमाग है, मैं उसे सोचता हूं। वो बालिका कहती है तूने देखा अपने दिमाग को? उत्तर नहीं। क्या सब बताया? उत्तर नहीं। कैन यू सी योर ब्रेन? नो। इट मीन्स यू हैव नो ब्रेन। बच्चों ने सिद्ध कर दिया प्रोफेसर ऐसे हो गया। इतनी सुंदर अमेरिका में हुई है ये बात। तो हम क्या देख सकते हैं, बच्चों को बड़ा कह रहा गॉड है ही नहीं। तो बच्चे, उनमें एक बालिका है, विदेशी बालिका, काला रंग है उन दोनों का, प्रोफेसर भी काले रंग का है, बच्चे भी काले रंग के हैं। तो कहती है तूने अगर अपने बुद्धि नहीं देखी तो बुद्धि है ही नहीं। फिर वो कोई जवाब नहीं, निरुत्तर कर दिया उसको उन्होंने और वो चला गया। तो इस साइंटिस्टों ने पूरे संसार को बर्बाद कर दिया है। खुद तो बेचारे ये नरकों में गए, कईयों को ले जाएंगे, लेकिन हमें नरकों में जाने से बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने, मोर मुकुट बंसी वाले ने इनको भेज दिया है हमको नरकों। बस याद रखो, यही हमको नरकों में जाने से बचा सकते हैं। अगर मैं अपने मन के स्तर पर रहा तो मैं नरकों में जाने से नहीं बच सकता, मुझे आत्मा के स्तर पर आना ही होगा। हमारा मन तो कहता है ये बहुत कठिन है, लेकिन कठिन है नहीं, हमारे मलिन मन ने इसको कठिन बना के रखा है। तो ये जो संत हैं, शास्त्र के आधार पर इन्होंने हर प्रश्न का उत्तर दिया। एक बार गुरुदेव बंगाल में थे, एक विदेश का व्यक्ति शांति पीस कॉर्प्स कोई बना है, शांति का कोई संगठन बना है, वो आके काम करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। वो प्रभुपाद जी को मिलने आया मायापुर धाम में, उससे प्रश्नोत्तर हुए, प्रश्नोत्तर के बाद भक्त बन गया, आज भी भक्त है वो, ये हमारे गुरुदेव हैं। तो ये वैज्ञानिकों ने ना बड़ी हालत खराब कर दी है दुनिया की, लोग इनके अनुयायी बन रहे हैं, इनके अनुयायी बनने का मतलब नरक द्वार, हमें फिर नरकों में जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद यहां ये समझा रहे हैं अथवा अमेरिका बन गया, नहीं मैंने नहीं बनाया, पहले ही था, और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा, क्या इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व ही नहीं? उनका अस्तित्व भी है। डार्विन को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक मूर्ख हैं, देखो कितनी किसकी हिम्मत है। ये गुरु महाराज, इनके गुरु का कहा जाता सिंह गुरु, ये सिंह गुरु के सिंह चेले। एक बार ये अमेरिका में थे, सारे अमेरिकन लोग बैठे हैं, बहुत सारे पुरुष स्त्री हैं, उनको अंग्रेजी में गुरु महाराज कहते हैं योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। किसी की हिम्मत पड़ सकती है किसी के देश में ऐसा कहना? तुम्हारी सभ्यता कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है, बहुत सारे खड़े हो गए, हाउ यू से दिस? साबित किया अमेरिका में
बच्चे को जब स्कूल दाखिल कराया जाता है ना, बाप का नाम नहीं दिया जाता, माँ का नाम। एक औरत के 3-4 बच्चे हैं, एक औरत हमको मिलकर थी, मेरा एक बेटा से है, खुद कहती है, और दूसरा जो पहले वाले से है। यार जानवरों में, पशुओं में ऐसा होता है। इन्होंने उन पशुओं को भी मनुष्य बना दिया और आज वो भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय लोग, यहाँ पर कृष्ण भगवान आए, वृंदावन कोई दूर थोड़ा, यहाँ से राम भगवान आए, राम भी यूपी में आए, कृष्ण भी यूपी में आए, गौर भगवान बंगाल में प्रकट हुए, ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत का कोई प्रांत ले लो, बड़े बड़े महान भक्त हुए, ब्रज तो महान भक्तों से भरा पड़ा है। हम क्या कर रहे हैं? कृपा करके सारे सुनने वाले अपनी आंखें खोलो। क्यों? ये मैंने कई बार कहा, फिर कह रहा हूं, खुद भी मैं गुरु कृपा से इसका ध्यान रखने का प्रयास करता हूं कि हम सब ने एक बड़ी परीक्षा में बैठना है। परीक्षा संसार से जाने की है। मैंने भी जाना है, आपने भी, इन्होंने भी, उन्होंने भी, सब ने जाना है। ये मृत्यु लोग है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। उस परीक्षा का हम सब ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये आ रहे हैं मेरे लिए भी, आपके लिए। तो तैयारी इनकी यही है, श्री कृष्ण की शरण। गुजराती भाषा में कहा है, कल हमारे गुजराती शिष्य आए हैं, कुछ आने वाले हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। शरणम कदम केरी डालो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कदम केरी डालो बो श्री कृष्ण शरण, यमुना केरी पालो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, यमुना केरी ब्रिज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कुंड कुंड भी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कमल कमल पर मधुकुर बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कमल कमल पर मधुकुर, डाल डाल पर पक्षी बोले
श्री कृष्ण शरणम नम डाल डाल पर पग वृंदावन ना वृक्षों बोले श्री कृष्ण शरणम मम गोकुलनी गायों बोले श्री कृष्ण शरणम मम कुंज कुंज बन उपबन बोले श्री कृष्ण शरणम मम ब्रज भूमि ना ब्रज कन बोले श्री कृष्ण शरणम मम रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणम मम बाजने तबला मा बोले श्री कृष्ण शरणम मम शरणाई तंबूरा बोले श्री कृष्ण शरणम मम नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम नृत्य करंती आकाश पताले बोले श्री कृष्ण शरणम मम चौदह लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणम मम चंद्र सरोवर चौक बोले श्री कृष्ण शरणम मम पात्र पात्र शाखाएं बोले श्री कृष्ण शरणम मम आंबो लिंबुने जांबू बोले श्री कृष्ण शरणम मम वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणम मम मथुरा जीना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणम मम
गोवर्धना शिखरो भोले श्री कृष्ण शरणम मम, गली गली गहवर वन भोले श्री कृष्ण शरणम मम। बेनु स्वर संगीत बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। पुलीन कंदरा मधुबन बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री यमुना जिनी लहरो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम मम, तुलसी जी ना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणम। सर्व जगत मां व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणम मम, विरहे जनना हैया बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणम मम, वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गौड़िया वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम, मधुर बीना वाजिंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुमंदिनी सरोवर मां बोले श्री कृष्ण शरणम मम, चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तारलिया ना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणम मम, अष्ट प्रहार आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रोम रोम व्याकुल थई बोले श्री कृष्ण शरणम नम, महामंत्र मन माये बोले श्री कृष्ण शरणम।
मम। जुगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जुगल चरण बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, तो सारी समस्याओं का समाधान परमपिता ने अपने मुखारविंद से बुलाया। ये वल्लभ संप्रदाय के भक्तों की ये रचेता है, रचना है। बस कृष्ण की शरण और कुछ नहीं, लेकिन ये विश्व विकार हमको कृष्ण की शरण नहीं लेने देते। सोचो, भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था इनके दर्शन करो। भगवान ये चाहते हैं, श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि बस उनकी शरण में हम आ जाएं और दुखों से मुक्ति पा जाएं। गुरुदेव कहते हैं डार्विन के सारे अनुयायी मूर्ख हैं, भागवत गीता स्पष्ट कहती है कि सभी योनियां पहले से ही हैं और आप जिस किसी ना किसी में भी चाहे उसमें जा सकते हैं, किसी योनि में जा सकते हैं। जैसे कि डार्विन ने यह कहा था कि हम बंदरों से आए हैं, पर आजकल बंदरों के आदमी क्यों नहीं बन रहे। गुरु महाराज ने कहा कि ये डार्विन जो था ये बंदर की औलाद था। मूर्खों वाली बातें करते हैं लोग, मूर्ख बहुत इकट्ठे हो गए हैं। यहां तक कि आप भगवान के धाम में भी जा सकते हैं। ये संत जो बैठे हैं विग्रह रूप में, ये हमको धाम में ले जाने के लिए आए हैं, बस और कुछ नहीं। और एक बात याद रखो, इनकी कृपा से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। पाना तो भगवान को है, संसार को भाई वैसे भी हमें खोना पड़ेगा। भगवान के लिए खो दो तो भगवान मिल जाएंगे। आपको मैं संसार में नहीं खो सकता और भगवान भी मिल जाए ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिन जिन को भी भगवान मिले हैं उन्होंने भगवान के लिए सब कुछ खो दिया, सब कुछ छोड़ दिया उनके ऊपर। अनेकों भक्त हुए हमारी संप्रदाय में, श्रीधर जी थे कोलवे श्रीधर, एक दो पैसा आमदनी थी उनकी, उसमें से आधी कमाई वो लगाते थे गंगा मैया की पूजा में। भगवान कौर हरि ने उनको दर्शन दिए और कहा तुम जो चाहो तुम्हें बना दें प्रभु, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस वो जो बाल निमाई मेरे पास आकर छीना झपटी करते थे वो रूप मेरे हृदय में सदा बना रहे। भक्ति का धनी कुछ नहीं चाहता। आज क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि भक्ति से शून्य हैं हम। जैसी भक्ति आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आपकी इच्छा है तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ये सब बातें बताई हैं। गीता में सब भगवान बता रहे हैं और फिर गीता यथा रूप गुरु महाराज ने समझाई है। आप उसका अध्ययन करो और अपने जीवन को सफल करो। आपके भगवद गीता यथा रूप है, प्रभुपाद जी की गीता नहीं होगी ना, नहीं है। माता एक तो उनको गीता देनी है हिंदी की और दूसरे इनसे सलाह कर लो, कुछ ये कह रहे हैं वैसा करना। आज तो समय बहुत हो जाता है, गुरुदेव ने इतना कुछ भंडार दिया है, मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं अपने प्रवचन को विराम दूंगा। और आप सबका धन्यवाद करता हूँ, इंटरनेट में सुनने वालों का धन्यवाद करता हूँ। आप सबके लिए ये कामना करता हूँ, आप सब मैं भी आपके साथ ही हम सब भक्ति पथ में प्रगति करें।
मृत्यु पथ पर तो प्रकृति हो ही रही है। जैसे कल का दिन मेरे जीवन से चला गया, मर गया। गुरुदेव कहते थे हमारी रोज मृत्यु हो रही है और फाइनल मृत्यु कब होगी, जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी। तो बस यही है कि भक्ति पथ में आगे बढ़े। पुनः धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता चली गई है क्या, आ रही है? अच्छा, कोई प्रश्न किसी को? भाई यहाँ किसी को कोई प्रश्न? बाहर से जो अगंतु भक्त हैं, है कोई प्रश्न तेरे पास? नहीं है? सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलो जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। सुनो, एक आरती मैंने इनसे सीखी है, वो मैं गा रहा हूं, आपसे सीखी है। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी देख सभी बली हारी मैं जाऊं, देख सब हे गिरधर तेरी आरती का। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाच आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो,
वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा गोवर्धन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे बोलो श्री श्री राधा गिरधर भगवान की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो गिरि गोवर्धन भगवान की, बोलो ब्रजवासियों की, बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की, निताय गौर पेमनंदी, सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। अनंत रूप दास अमृतसर से। अनंत रूप कहाँ से? अमृतसर। अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। ज्ञान होने के बाद भी हम इस संसार में मोह को क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि ज्ञान तो हो गया, भक्ति नहीं हुई। हृदय की शुद्धि, मन की शुद्धि भक्ति से होगी, निष्काम भक्ति से। जब हृदय शुद्ध होगा, ज्ञान हो या नहीं हो, संसार से विराग हो जाएगा हमारा। नरसिंह चरण जी गोवर्धन से। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी वृंदावन में जो संप्रदायों का समुद्र है, उसमें हमें कैसे रहना है? कोई कोई लोग इस संप्रदाय के समुद्र में आकर भटक जाते हैं। तो कोई लोग संप्रदाय के समुद्र में आकर भटक जाते हैं, हाँ, तो क्या वो परम पुरुषोत्तम को पा लेंगे? ऐसा है नरसिंह चरण जी, चार प्रमाणिक संप्रदाय हैं, चार ही प्रमाणिक हैं। इनके अलावा अगर कोई है तो वो प्रमाणिक नहीं है। पहली संप्रदाय जो ब्रह्मा जी ने शुरू की, ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। दूसरी संप्रदाय चार कुमारों ने, सनक सनंदन सनातन और संत, कुमार संप्रदाय, जिसमें फिर निम्बार्काचार्य हुए बड़े महान, माधवाचार्य हमारी संप्रदाय में हुए। हमारी संप्रदाय का नाम पड़ गया ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। जो चार कुमारों ने शुरू की उसका ना, उसमें बहुत बड़े आचार्य निम्बार्काचार्य हुए, तो फिर निम्बार्क संप्रदाय उनका नाम पड़ गया। तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय जो है, इसको माता लक्ष्मी जी ने शुरू किया था। तो ये श्री संप्रदाय का प्रचार रामानुज आचार्य जो हैं, वो श्री संप्रदाय में हुए, और इस श्री संप्रदाय का नाम पड़ गया रामानुज संप्रदाय। फिर रुद्र संप्रदाय, चौथी संप्रदाय जो है, जिसमें बल्लवाचार्य शुरू हुए, इनका नाम बल्लवाचार्य बहुत, इसलिए बल्लभ संप्रदाय इसका नाम पड़ गया, जिसमें बाल कृष्ण की भक्ति बताई है। तो देखो नृसिंह चरण जी, सबका सम्मान करो, आप जिस संप्रदाय में हो विशेषकर उसमें रुचि रखो, पर किसी का अपमान मत करो। अगर आप किसी का भी अपमान करोगे तो आपको भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो आप गौड़िया संप्रदाय में हो, आपके संप्रदाय की विशेषता इतनी है कि इसमें स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो आपकी संप्रदाय थोड़ी सी विशेष है, पर बाकी सारी प्रमाणिक हैं। इनके अलावा जो भी कोई है वो प्रमाणिक नहीं है, अपनी संप्रदाय बना ली हैं उन्होंने। उसको गुरुदेव ने कहा है, यतो मत ततो पथ, जिसका जैसा मत होगा वैसा रास्ता बना लिया। कलयुग के मत हैं, कलयुग के पथ हैं, उसमें कहीं नहीं हम पहुंच पाएंगे। नृसिंह चरण जी, आपको समझ आई बात?
बस भक्ति बढ़ाओ, सबका सम्मान करो, जो संप्रदाय में नहीं भी हैं उनका भी सम्मान करो, उन बेचारों का इतना सौभाग्य नहीं है, ऐसा भी कहा है? ये कहाँ है, भागवत में कहाँ है ये? संप्रदाय बहीना मंत्र है निष्फला, जो संप्रदाय में नहीं है इस उसके उसने नाम लिया तो उसका कोई फल नहीं होगा। तो ये संप्रदाय का भी आपके सामने कार्यक्रम है, प्रभुपाद जी ने बिल्कुल जीरो से शुरू किया, विदेशियों को वैष्णव बनाया, अविदेशी लोगों को भी सोचने की समझने की मतलब समझ आ रही है, मौका मिल रहा है। ये पद्म पुराण में कहा है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फला मता। यदि कोई मान्यता प्राप्त गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण नहीं करता तो उसका मंत्र या उसकी दीक्षा निष्फल है। अभी देखो भगवान ने भी संप्रदाय की बात गीता में की है, उन्होंने कहा कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु साकालीन महत्ता योग नष्ट परंतपा। अर्जुन, ये गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा था लेकिन बड़ा समय हो गया, परंपरा नष्ट हो गई, मैं तेरे से वो परंपरा शुरू कर रहा हूँ। भक्तों सी सखा चेती रहस्य मेदम उत्तमम, तुम मेरे भक्त और सखा हो इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूँ। और पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास कहते हैं जो संप्रदाय में नहीं है तो उसके मंत्र का कोई लाभ नहीं होगा उसके जपने से। परंपरा असली गुरु तो कहा है वसुदेव सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। असली गुरु कृष्ण है, पर गुरु शिष्य की पद्धति भगवान ने ही शुरू की। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शन। गुरु के पास जाओ, भगवान भी कह रहे हैं। तो नरसिंह चरण जी समझ आइए आपको, सबका सम्मान करो, आप इतने अच्छे बनो दूसरी संप्रदाय के लोग भी कहें भाई ये देखो अच्छा। देखो ये एक प्रभाव बलदेव विद्याभूषण जी का मिला हमको। बलदेव विद्याभूषण ये जो श्री संप्रदाय के रामानुज थे अनुयायी, वो इधर थे राजस्थान में जयपुर में, उन्होंने कहा कि ये जो गौड़िया संप्रदाय है इनका कोई भाष्य नहीं है, वो भी प्रमाणिक, इनका भाष्य नहीं है। तो राजा जो था वो भी गौड़िया संप्रदाय का ही था, उन्होंने वृंदावन में सूचना की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज को, बहुत बड़े चारे हुए हमारी संप्रदाय में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण जी को कहा तुम जाओ। उन्होंने गए वो वहाँ पर और देखो राधा गोविंद जी जो ब्रज से गए हैं जयपुर में विराजमान है, राधा गोविंद जी ने उनको सपने में बलदेव विद्याभूषण जी को दर्शन दिए, कहा तुम भाष्य लिखो अपना। उन्होंने लिखा, वो जितने रामानुज संप्रदाय के थे वहाँ पर जो आपत्ति कर रहे थे कि ये प्रमाणिक नहीं है, इन्होंने वेदांत पर भाष्य नहीं लिखा, तो हुआ क्या, वो सब कहते हैं कि हमें दीक्षा दो आप बलदेव विद्याभूषण जी को, उनको विद्याभूषण की उपाधि दी गई। बलदेव विद्याभूषण जी ने क्या कहा, कहते आपकी संप्रदाय भी प्रमाणिक है, मैं ये अपराध नहीं कर सकता कि आपको दीक्षा में अपनी संप्रदाय में लाऊं, ये गलत है। उन्होंने नहीं दी श्री संप्रदाय वालों को दीक्षा, नहीं दी उन्होंने, उन्होंने उनको विद्याभूषण की उपाधि दी। बलदेव विद्याभूषण बहुत बड़े हमारे आचार्य हुए और उन्होंने ये कहा कि महाप्रभु ने भागवत को ही वेदांत का भाष्य बताया है, भागवत सारे ग्रंथों का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरु गलितम फलम
सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुविर भाव का। भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, जब फल को तोता चोंच लगाता है तो वो स्वादिष्ट हो जाता है, तोते का जूठा जूठा नहीं होता। तो जब सुखदेव महाराज ने भागवत का उच्चारण किया तो रसिकजनों ने बड़ा आनंद लिया, मुहुर्हो रसिका भुविर भाव का। तो देखो बलदेव विद्याभूषण जी ये नहीं थे कि दूसरे प्रमाणिक ये चार संप्रदाय, उन्होंने सम्मान किया उनका भी, तो उन्होंने उनका बड़ा धन्यवाद किया। समझाइए आपको नृसिंह चरण जी, सुनील अग्रवाल जी हैं, सुनील अग्रवाल काठमांडू नेपाल से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गुरु महाराज जी, क्रोध नहीं जा रहा है? क्रोध नहीं जा रहा और ईर्ष्या भी होती रहती है समय समय पर, कृपया कृपया करें कि ये दोष निकल जाएं। आपका दास। अग्रवाल जी, जैसे जैसे आप भक्ति में प्रगति करेंगे ना, तो क्रोध भी जाएगा और ईर्ष्या भी जाएगी। और ऐसे समझ लो इस बात को, क्रोध क्यों है, भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा। ये क्रोध जो है काम से पैदा हो रहा है। अपना देखो भला, जैसे कल दो दिन के पहले प्रभुपाद जी ने कहा था, गर्भदान संस्कार कोई छुपाने की बात नहीं है, शास्त्र की बात है। स्त्री का संग केवल संतान के लिए, फॉर प्रोक्रिएशन ओनली। अग्रवाल जी देखिए, आप अपने अंदर जानकर स्त्री संग सुख भोग के लिए नहीं किया जाता। और संस्कार से अगर आप गर्भदान संस्कार करेंगे अच्छी संतान जन्म लेगी। एक तो ये कारण क्रोध का हो सकता है, पर ईर्ष्या भी इससे आती आगे है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से काम, क्रोध, मोह, लोभ, फिर अहंकार। अहंकार जब आ जाता तो भी और ईर्ष्या, द्वेष, कपट, ये बुराइयाँ आ जाती हैं सारी हम में। तो आप भक्ति में प्रगति कीजिए अग्रवाल जी, तो ईर्ष्या भी जाएगी धीरे धीरे। आप यहाँ आने वाले थे, क्या हुआ नहीं आ रहे हैं? नहीं, अच्छा अच्छा हैं, आप यहाँ आने वाले थे व्यास पूजा पे, नहीं आए, चलो। मृदुला मेहंदीरता, हरे कृष्ण महाराज जी, जब दुख कहाँ से जी नहीं बताऊँ, क्या नाम? मृदुला, मृदुला मेहंदीरता। हरे कृष्ण महाराज जी, जब दुख खत्म ना हो रहे हो तो कैसे मन को समझाएं? मन को ये कहना है, मृदुला माता, पुरुष हैं स्त्री जो भी आप हैं, मृदुला जी, मान जो तुम्हें ये दुख लग रहे हैं, तेरी ही देन है ये, तूने ही विषयों का सेवन करके दुख पैदा किए हैं। इस मन को ऐसे समझाना है, जो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गाना कर्म नो गति, परमपिता भगवान कहते हैं ऊधो कर्मन की गति न्यारे। मन को समझाना है, मन तुम्हें, मन ही तो दुखी हो रहा है ना, ये तेरे किए हुए बुरे कर्म हैं जिनका फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। एक और बड़े सुंदर शब्द ध्यान में आए गुरु कृपा से, कहा है, करनी कर्त क्यों डरत, बोलो क्यों करके पछताए, भोए पेड़ भवूल के तो आम कहाँ से खाए। भूबूल पे कांटले लगते हैं खाली, भूबूल का पेड़ भोया भाई, बुरे कर्म किए तो आम थोड़े लगेंगे उसमें, भूबूल ही कांटे ही लगेंगे। मृदुला जी समझाइए आपको बात। मंदिर रहता जी कहाँ के, जहाँ के भी आप हैं,
गुरु महाराज के पावन व्यास पूजा महोत्सव पे आए हुए सभी भक्तों के लिए मंदिर की तरफ से कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज किए गए हैं, और ये विशेष तौर पे भक्ति जो है अपने जीवन में कैसे व्यवहारिक तौर पे की जाए इसी पे आधारित हैं। इसमें दो कोर्सेज हैं आधे आधे घंटे के। ये जिस दिन महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा उस दिन सुबह प्रसादम के बाद 9:30-10 बजे से ये प्रारंभ होंगे। एक कोर्स है भक्ति वृक्ष, आप अपने स्थानों पे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मुझे याद है गुरु महाराज ने करीब 12-15 साल पहले मुझे एक पुस्तक दी थी भक्ति वृक्ष की, और कहा था इसका प्रचार करो, तो थोड़ा बहुत मैंने किया था, फिर अन्य भक्तों को बताया, और महाराज के आशीर्वाद से अमृतसर में 10 ग्रुप्स चल रहे हैं। हर ग्रुप में करीब 20 या 25 लोग हैं जो शिक्षा लेते हैं और इतने सालों साल जो है वो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, बड़े प्रमुख अंग बने हुए हैं प्रचार के लिए। तो जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में उत्तीर्ण हुए हैं हमारे गुरु भाई हरि कृपा प्रभु, वो इस सेमिनार को लेंगे। और दूसरा जो कार्यक्रम है वो है आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हमें सारी सेवाएं मंदिर में करनी चाहिए, लेकिन मंदिर से जब हम घर जाते हैं तो घर में भी 24 घंटे की सेवा है, इसलिए घर में भी हमें भगवान की सेवा करनी होती है। और ये व्यवहारिक तौर पे कैसे की जाए, इसमें शुद्धता के नियम क्या होते हैं, कैसे भोग लगाया जाता है, कैसे भगवान का शयन कराया जाता है, कैसे उनको उठाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़े अच्छे तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ये बताई जाएगी। ये हमारे गुरु भाई रघुपति राम प्रभु जी हैं, वो गृहस्थी हैं, वो इसको प्रेजेंट करेंगे। तो महाराज जी के जन्मोत्सव के दिन ये कार्यक्रम प्रातःकाल प्रसादम के बाद ये यहाँ बलराम हॉल में ये आयोजित किया जाएगा। तो कृपया करके जो इसमें भाग लेना चाहते हैं वो रुद्रदास जी हैं, इनके पास रजिस्ट्रेशन करा लें। 3-4 दिन का समय है, 13 तारीख को ये होएगा, तो ये निवेदन है आपसे। तो कार्यक्रम के बाद भी आप नाम लिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं सम्मिलित हो पाएंगे, तो प्रयास है। और ये जो सेमिनार है निःशुल्क है, इसमें कोई आपका शुल्क नहीं है, बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें। हरे कृष्ण। हरि बोल। ये किसका जन्मदिन है आज? अभी बताते हैं। अच्छा, हरे कृष्णा। तो हम सभी गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, ये हमारा परम सौभाग्य है जो गुरु महाराज जी का हमें नित्य दिव्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और गुरु महाराज हमें कृष्ण कथा का गायन करके हमारे कल्मश हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। तो हमें जितने भी अतिथि भक्त लोग आए हैं जगह जगह से, इस अनमोल समय को गंवाना नहीं है, उसका सदुपयोग करना है। तो हम सभी गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज ये गुरुकुल का बच्चा है धर्मदास, जो लखन प्रभु और माधवी माता का सुपुत्र है, तो उसका आज जन्मदिन है। तो गुरु महाराज उसको आशीर्वाद देंगे। लखन जाओ। धर्म, तो धर्म पहले प्रणाम करते हैं ना गुरु जी को। हाँ, लिखा जिसका नाम लिखा है धर्म, उधर से खड़ा करो इसको, पूछो के धर्म माइक हटा दो उधर से। तो बड़ा होकर क्या बनेगा? बड़ा कर भक्त बनूंगा बस। इसकी इसकी माता की तरह माता पिता कहाँ है इसके? माइक हटा दो। इसके माता पिता भी आ जाओ इधर।
धर्म ये तेरे लिए गिफ्ट है। और पिता भी यहाँ खड़े हैं सर, इनके पिताजी जो हैं कहाँ कॉलेज में पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हो आप? कॉलेज में, डिग्री कॉलेज क्या मतलब, कौन सा कॉलेज है? इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं ये मॉरिशस में। और धर्म की माता जी जो हैं वो भी, आपने कितनी पढ़ाई की है? इंजीनियरिंग भी किया और मार्केटिंग मैनेजमेंट भी किया। इंजीनियरिंग भी की है और मार्केटिंग मैनेजमेंट भी किया है, दोनों अच्छे हैं, बड़े पुराने शिष्य हैं हमारे। चलो कहाँ काटने के लिए? धर्म यहाँ खड़ा हो जाता सामने। वो है नहीं इसमें। है नहीं, गिरा दिया उन्हें। हरे कृष्णा हरे नहीं है उन्होंने ला रहे तो ये भूल गया, वो भूल गया मेरे ख्याल, वो रखना भूल गया उसको। अच्छा कुछ और कहाँ गिरा दिया? देखो ये केक सिस्टम वैसे ही तो विदेश से आया है, यहाँ बदला गया है इसको। विदेशी क्या करते हैं, मोमबत्तियाँ जला देते हैं इसके ऊपर। मान लो बच्चा 10 साल का हो गया तो 10 मोमबत्तियाँ उनको बुझाना है बच्चों ने। हमारे कहते हैं बत्ती जलाओ वो बुझाते हैं, वो सिस्टम इंडिया में नहीं है। खाली केक बना देते हैं, बच्चे देखते हैं तो केक जो है काट देते हैं, पर बत्तियाँ बुत्तियाँ बुझाते नहीं। बत्ती तो जलनी चाहिए। कहाँ से मिला ये हैं? वो नहीं मिला ही नहीं इसको, यही है हैं? धर्म। चलो हरी बोल, बोलेंगे बोलना कुछ। हर बार दिन ये आए पता क्यों नहीं है, नाटक करता है, गा नहीं सकता है। तुरंत तेरा नाम लिखा है ना, हरे हरे सुनो तुम लोग ले जाओ काट के, फिर सबको दे देना। तेरा गिफ्ट कहाँ रखा तुमने? ठीक, अभी आप सब लोग प्रसाद लेंगे। अरे वो ये मीठे हैं दूसरे नमकीन। आज जो लीला है, लीला का आज आखिरी दिन है, तो उसमें कुछ श्री कुंज बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, तो कुंती माता से, कुंती माता सलाह कर लो उसकी, अनाउंसमेंट कर दें कुंज बिहारी जी क्या कह रहे हैं, और वैसे ही करना है सबने।
ठीक है। हाँ तो बस मुझे बताना कैसे क्या करना है, तो वैसे ही करना है। वो मैं ही बता दूंगा, कोई चिंता नहीं, आप भी बता सकते हैं। आप सब लोग आओ, पहले पूछा लेते।